नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई के सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में डॉक्टर आशा नैथानी दायमा द्वारा लिखी गई सच तो यही है पुस्तक का विमोचन पंडित शिव कुमार शर्मा के हाथों किया गया। इस पुस्तक में कश्मीर से जुड़ी हुई सच्चाई को दर्शाया गया है जो लोगों को खूब पसंद आएगा। वही देखते हैं हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट को। एक ऐसा सच है जिसके बारे में अभी तक लोगों को नहीं मालूम था, और आप वहां पर थे जब उन्होंने कहानी सुनाई। ये कहानी भी नहीं है, यह सत्यता है। जिस तरीके का जीवन लोग वहां पर जी रहे हैं उसके बारे में अभी कुछ चर्चा हुई होगी तो लोगों ने सुना होगा 35A कुछ होता है, लेकिन वो क्या है, कैसी यंत्रणा लोगों को उसके द्वारा मिली है, उन्होंने उसके बारे में सच्चाई पेश की। मुंबई में ही पढ़ी बड़ी डॉक्टर आशा नैथानी दायमा मुंबई के प्रख्यात सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड और आर्ट्स विभाग की वाइस प्रिंसिपल रह चुकी है। वे मुंबई यूनिवर्सिटी में PhD के लिए जाने माने गाइड्स में एक हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अपना लोहा मनवा चुकी डॉक्टर आशा नैथानी बॉलीवुड की फिल्मों में डायलॉग राइटर भी हैं और कई क्लासिकल और लिटिल क्लासिकल म्यूजिक शो को होस्ट भी कर चुकी हैं। इंटरनेशनल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की आर्ट फिल्म में बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी अपनी आवाज दे चुकी हैं और साथ ही इनके कई स्टेज शो की सूत्रधार भी रहे हैं। आशा जी ने तो मैं तो इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस के बारे में सोचा, समय निकाला, वहाँ जाकर के उन लोगों से मिले और उसको, वो कहानी नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं एक फिल्म देख रहा हूँ और वो मेरे सामने घटना घट रही है। तो एक बहुत ही ऐसा मार्मिक इन्होंने कथा उसका सुनाई है जो सत्यता 71 साल से वहाँ पर हो रहा है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में किसी को इसके बारे में मालूम नहीं और गलत धारणाएं हैं, तो इन्होंने इसको बहुत साफ कर दिया है। और अभी इसके बारे में ज़्यादा इस पुस्तक को लोग पढ़ें, उनको जानकारी हो कि पहले ये अनुच्छेद 35A क्या है, 370 क्या है और उसके द्वारा कितने लोगों को प्रताड़ना हुई है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही इन्होंने एक ऐसा काम किया है, और संयोगवश जब इन्होंने किताब लिखी है उसके बाद ही पार्लियामेंट में ये अनुच्छेद निकाला गया, ये एक संयोग की बात है, लेकिन सही समय पर हुआ है। तो मेरी लोगों से ये प्रार्थना है, इस पुस्तक को लीजिए, इसको पढ़िए और इसके बारे में आपको जानकारी हो कि ऐसा भी होता रहा है अभी तक हमारे देश में। देखिए, जम्मू कश्मीर हमेशा से हमारे देश में, मैं तो कहती हूँ शुरुआत तो ऐसे ही, पंडित जी स्कूल में जब मैप बनाना, नक्शा बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर बनाना ही आता है, लगता है हाँ कुछ है, सिर बना दिया है देश का मुकुट, बिल्कुल है ना। तो और फिर हमेशा इतने तर्क वितर्क कुतर्क इतने चलते रहते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। पिछले 2.5-3 साल से इस पर काम कर रही हूँ, मेरी बहन प्रतिभा जो सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, उनसे चर्चा होती रहती थी, उसने कुछ किताबें वगैरह दी पढ़ने के लिए, और फिर मुझे अचानक ये लगा कि 35A लोग जानते भी नहीं हैं। और तब मैंने सोचा कि वहाँ जाऊँगी और देखूँ, और वहाँ जो था वो सारा कुछ तो कल्पना से परे की बातें हैं, वो लिखने की कोशिश की है मैंने। उस समय ये सारा कुछ असंभव लग रहा था, 71 साल जिसे किसी ने इस तरफ सोचा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो सारा कुछ कल्पना थी वहाँ। तो जिस दिन पंडित जी, जिस दिन ये ख़त्म हुआ 5 अगस्त को, 6 को जम्मू से ख़ास तौर से इतने फ़ोन आए मेरे लिए, और बड़े बड़ी उम्र के पुरुष महिलाएं रो रहे थे फ़ोन पर, कह रहे थे कि मैडम जी हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे जीते जी हम ये दिन देख सकेंगे, और वो आया वो दिन उनकी ज़िंदगी में। तो तब बिल्कुल सच नहीं लगा था, पर आज का वो सच है, भाग्यवान है सब। लेकिन ये जो सच अभी लागू हुआ है उसको लेकर कई पार्टियां इसको विरोध कर रही है, आज भी विरोध चालू है,
देखिए वो तो या तो वो जानते नहीं है सच क्या है जानते नहीं है, या फिर झूठ बोल रहे हैं। हर एक को अपनी अपनी दुकान चलानी है तो उनके बारे में बात न की जाए। अपने पाठकों से क्या कहना चाहेंगे? पाठकों से यही कि एक सच्चाई है, जानिए समझिए अपने देश की। हम इतना कुछ बाहर भटकते रहते हैं, अपने देश में भी बहुत कुछ है जिसे सुलझाना है। लाखों लोग हैं जो इस 35A के कारण इतनी मजबूरी में जी रहे थे, तो लोग पढ़ेंगे सुनेंगे तो समझेंगे इस बात को।